नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरिया रोड में हुई चोरी का पुलिस ने किया उद्भेदन, दो अभियुक्तों समेत 89,500 नगद, 5 मोबाइल, एक घड़ी हथौड़ा किया गया बरामद। नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुए कई सड़क हादसे। और चाकू की नोक पर एक युवक से हुई मोबाइल की छिनतई, एक की हुई गिरफ्तारी, दो फरार। और झारखंड बिजली कंज्यूमर एसोसिएशन की ओर से राज्य भर में मनाया गया एक दिवसीय विरोध दिवस। खबरें विस्तार से। साक्षी पुराना कोर्ट रोड में एक स्कूटी में सवार तीन लोग गाड़ी अनियंत्रित हो जाने से घायल हो गए। घायल लड़के करीम सिटी कॉलेज के छात्र हैं। अंदेशा लगाया जा रहा है कि स्कूटी सवार तीन युवक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर पड़ी जिससे तीनों लड़के घायल हो गए। पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर थाने ले गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो तीन लोग था, तो उसका भी मदद के लिए हम गाड़ी जो है गाड़ी में भिजवा दिए थाने। अच्छा, घायल लोग? घायल लोग लगता हॉस्पिटल की है। अच्छा, कैसे हुआ है? बस ये तो नहीं देखे, मगर अभी हम पार हो रहे तो हम मदद के लिए हम भी भिड़ गए और उठा के गाड़ी में रख दिए। कितना गाड़ी था? गाड़ी तो एक था। क्या है? स्कूटी थे। घायल लोग हॉस्पिटल? उसको नहीं देखे, गाड़ी देखे तो मदद के लिए हम आगे चढ़ा दिए। और घायल एमजीएम में ले गया है? हाँ, वो लड़का लगता है वो लोग लेके गया एमजीएम के हॉस्पिटल। हाँ, इसका बारे में हमको नहीं पता मगर लेके गया है। आपका नाम? मेरा नाम फिरोज। इधर दिन दहाड़े सड़क पर चाकू की नोक पर एक व्यक्ति से मोबाइल की छिनतई की गई। घटना के संबंध में पीड़ित लाल ने बताया कि वह छाया नगर में रहता है तथा टेंट हाउस में काम करता है। वह काम के बाद खाना खाने पैदल निकला था, तभी दो से तीन लड़कों ने चाकू दिखाकर उससे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है जबकि एक भागने में सफल रहा। जबरदस्ती मोबाइल छीना, चाकू दिखाकर। क्या नाम है तुम्हारा? लादेन। लादेन? कितना लड़का लोग था? तीन चार लड़का था। तीन लड़का? तुम कहाँ जा रहा था? हम कहाँ जा रहा था? होटल जा रहा था खाना खाने। कहाँ रहते हो तुम? हमें यही रहते हैं। कहाँ? कौन बस्ती? ये वाला बस्ती में रहता है, छाया नगर में। क्या करता काम? काम टेंट हाउस का करता है। टेंट हाउस का काम? टेंट। मोबाइल मिला? नहीं मिला। देखो भाग गया है। हाँ। कितना लोग था? तीन लोग था। इधर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत केनन स्टेडियम के पास बुधवार को तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ने खड़ी ऑल्टो कार में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के संबंध में स्थानीय एक व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि किनन स्टेडियम के पास एक ऑल्टो गाड़ी खड़ी थी। सामने से तेज रफ्तार में आ रही इनोवा गाड़ी ऑल्टो गाड़ी में जोरदार टक्कर मारते हुए डिवाइडर से जा टकराई। घटना में ऑल्टो में बैठे लोग घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए TMH ले जाया गया। गाड़ी आ रही थी उधर से बाई में, ऑल्टो गाड़ी को वहाँ चाय बाय में मारे ऐसे करती और उधर घूम सीधा ड्राइवर में टकरा। पीछे में बच्चा उछल रहा था, चोट उटो लोग पर लगा है, लोग TMH सब किया है। इनोवा का ड्राइवर हो देखिए वहाँ पर था। कोई घायल घायल होने की भी सूचना है किसी की? घायल होने की भी? घायल होने के सबको चोट उठ लगी है, सब TMH के। वही बुधवार को आजाद नगर थाना अंतर्गत रोड नंबर 18 निवासी नयाज हुसैन के घर से चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटमदा DSP सुमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के संबंध में जानकारी दी। बुधवार को आजाद नगर थाना अंतर्गत रोड नंबर 18 निवासी नयाज हुसैन के घर से चोरी की घटना की अंजाम दिया गया था। मामले में अनुसंधान करते हुए आजाद नगर थाना ने उद्भेदन के लिए पुलिस पदाधिकारियों की एक टीम गठित की। उक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त जावेद उर्फ राजा, परवेश उर्फ राज को जमशेदपुर से पकड़ लिया। पकड़ाए अभियुक्तों ने पूछताछ के क्रम में अपना दोष स्वीकार करते हुए बताया कि 1 दिसंबर को जब वादी नयाज हुसैन अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे तब ये लोग छत के माध्यम से
घर के वेंटिलेटर तोड़कर दाखिल हुए तथा नीचे के कमरे में रखे अलमारी को पेचकश एवं हथौड़ा के मदद से तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पकड़ाए अभियुक्त मोहम्मद परवेज की तलाशी लेने पर कुल 89,500 रुपए बरामद किए गए एवं पकड़ाए दूसरे अभियुक्त मोहम्मद जावेद उर्फ राजा के किराए के मकान से प्लास्टिक में छिपा कर रखा टाइटन घड़ी एवं 5 मोबाइल फोन बरामद किया गया। पकड़ाए दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि अनुसंधान के क्रम में कांड में चुराए गए जेवरात एवं अन्य रुपयावादी के पत्नी और अपने घर के अंदर पलंग के नीचे बॉक्स में रखी थी, जो सलामत पाया गया। कि जो रोड नंबर 18 है वहाँ के निवासी नियाज हैं, तो नियाज हुसैन साहब के घर में चोरी हुई है। जब वो लोग मार्केटिंग करने गए थे सुबह 11 बजे और जब शाम को घर लौटे तो उनको पता चला कि उनके घर में चोरी हुई है और तुरंत उन्होंने थाना को सूचना दिया और इस पर जो है हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक छापामारी टीम का गठन किया गया, उद्भेदन टीम का, जिसका निर्देशन जो है थाना प्रभारी आजाद नगर कर रहे थे। इसमें थाना प्रभारी के अलावा आजाद नगर थाना के नफीस अहमद, पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार, अरविंद कुमार को शामिल किया गया था। सभी लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है जो चोर थे उनको पकड़ा। दो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया गया। एक का नाम जावेद उर्फ राजा है और दूसरे का नाम मोहम्मद परवेज उर्फ राज है। ये दोनों लोग जो है रोड नंबर 18 के ही रहते हैं और इसमें जो जावेद उर्फ राजा जो है ये वादी के घर के बगल में ही किराए के मकान में रहता था और वहीं से ये पहले रेकी वगैरह किया था और उसी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। क्या क्या बरामद हुआ लोगों पास? इनके पास जो है हमारा जो नगद रुपया है 89,500, 5 मोबाइल फोन, टाइटन की एक घड़ी जो है वो बरामद हो गई है और कान में प्रयुक्त पेचकश एवं हथौड़ा जिससे इन लोगों ने अपराध को अंजाम दिया था वो बरामद हो गया। इससे पहले कभी ये लोग जेल गए हैं क्या? इससे पहले तो अभी ये लोग जेल नहीं गए। और वही जमशेदपुर के नूवोको विस्ता कंपनी के ठेकेदार इन दिनों अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कंपनी के वेंडरों के द्वारा इन्हें पेमेंट नहीं किया गया है और उनके अधिकारी यहां से फरार है। बताया जाता है कि कंपनी के दो वेंडरों ने स्थानीय 7 ठेकेदारों को अलग अलग कार्यों के लिए ठेका दिया, लेकिन विगत 7 महीने पूर्व ही कार्य पूर्ण होने के बाद वेंडर कंपनी के अधिकारी ठेकेदारों के पेमेंट को पेंडिंग कर चुके थे। इसके बाद नूवोको कंपनी ने खुद ठेकेदारों को उनका बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया था, पर 6 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी इन्हें कंपनी ने भुगतान नहीं किया। इन ठेकेदारों ने अपने बकाए भुगतान को लेकर गुरुवार को धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर फरियाद लगाई। एक ठेकेदार के अनुसार उन्होंने अपने बेटी के शादी के लिए जो पैसे रखे थे उसे उन्होंने कंपनी के कार्य में इस्तेमाल कर दिया। अब वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने इस मामले में धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी से न्याय किए जाने की गुहार लगाई। थे उनके लिए राशन और रूम का रेंट ये सब मिला करके दे दिए थे। बेटी का पैसा जो रखे थे शादी के लिए वो पैसा निकाल के इनको दे दिए। उसके बाद ये लेटर भेटर चेक चेक वगैरह दे करके हमको घुमाते चल रहे हैं। जाते हैं तो बोलते हैं दो रोज रुक जाइए। हम कब तक रुके? हमारा कब होने वाली थी शादी? बेटी शादी जनवरी के बाद में होने वाला, अभी डेटे नहीं रख रहे हैं। जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक डेट नहीं रख रहे। क्या करेंगे लास्ट में? लास्ट में सर हम तो आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। बेटी का शादी रुका हुआ, हम क्या कर सकते हैं? पर किन के पास में है, क्या पूरा मामला? साहब को लेटर दिए हैं नूवोको के खिलाफ। नूवोको कंपनी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था नूवोको में स्थायी कर्मकार के लिए एसी और आक्स सीमेंट्स में दोनों में। मेरा पैसा नहीं दे रहा था, हमने नूवोको को सूचित किया। नूवोको बोला आश्वासन हम पैसा देंगे। कुछ पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दिया, बाकी बोला विलम्ब करेंगे और अभी तक कर नहीं रहा है। हम लोग को घुमा रहा है, हम लोग को पैसा दे नहीं रहा है। मार्केट का लेवलिटी ज्यादा होने के कारण हम लोग तंगी हो गए। तो आज आप लोग हरदम आगे किन के पास में आए? एसडीओ साहब के पास। सांची हावड़ा ब्रिज के समीप तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। सांची हावड़ा ब्रिज के समीप कार को एक अनियंत्रित ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। निकल रहे हैं तब तक ये ट्रेलर बहुत नशा में है कि नींद में है वो हमको नहीं पता, लेकिन बहुत काफी स्थिति में ड्राइवर आया और सूचना किनारे जाकर मतलब हम लोग बातचीत हो गया।
ऐसा इंजरी नहीं हुआ, यही लोकल गाड़ी था। लोकल गाड़ी था, बातचीत खत्म हो गया, आप लोगों का बात हो गया। और झारखंड बिजली कंज्यूमर एसोसिएशन के द्वारा राज्य भर में गुरुवार को विरोध दिवस मनाया गया। ऑल इंडिया बिजली कंज्यूमर एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर में ये विरोध दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में ये विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा में देश भर में विद्युत वितरण को निजी हाथों में सौंपने से संबंधी बिल ला रही है, ऐसे में पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि विद्युत वितरण निजी हाथों में जाने से पूंजीपति मनमाना रकम उपभोक्ताओं से वसूलेंगे, जिसका विरोध किया जा रहा है। पूरा देश में जो बिजली का जो निजीकरण हो रहा है, इस लोकसभा सत्र में बिजली कानून 2021 को पेश करने वाला है और एक बिल पास करेगा, जिसमें आज जो बिजली जो मैंने उत्पादन को मैंने प्राइवेट के हाथ में है, अभी 2021 में जो संशोधन करने जा रहा है, पूरा बिजली पूरा वितरण का ही जो प्राइवेट के हाथ में देगा, पूंजीपति के हाथ में देने का ये साजिश है बीजेपी सरकार का। इसलिए इसका विरोध आज पूरा देश में, आज 2 तारीख पूरा देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट डे के रूप में हम लोग पूरा मना रहे हैं। ये मैंने ऑल इंडिया मैंने बिजली कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ से और हम लोग का झारखंड में झारखंड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन के नाम पर ये हम लोग आंदोलन आज हम लोग कर रहे हैं और जिला डीसी के पास हम लोग मेमोरेंडम देंगे। केंद्रीय पावर मिनिस्टर जो है उसके नाम पर हम लोग बिल जब तक रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन ये चलते रहेगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आपके कर्मों से होगा नए कल का निर्माण, सच्ची भक्ति और आस्था से होगा जीवन का कल्याण। भागवत क्या है? आत्मज्ञान को पैदा करने का एक सिद्धांत है भागवत। भवतन्न मनसव सचेत सावरे पसव मा यज्ञम हिम सिष्टम मा यज्ञपतिम। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्र देव जी सरस्वती महाराज के पावन सानिध्य में सिद्ध गौड़ा सिनेमा ग्राउंड टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड से श्रीमद् भागवत कथा का 2 से 8 दिसंबर दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए सत्संग पर। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध।
आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को, जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत वेरी नॉर्मल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं, हमारे पास हम सेवा करते हैं। चौबीस घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है, आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी, कॉन्टैक्ट 7004711534 एंड 8084704699। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295658। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला खरसावा जिले के मुड़कुम में हेमंत सरकार के पंचायत स्तरीय आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री चंपई सोरेन ने शिरकत किया। उन्होंने कहा कि शराब और हानिया को छोड़ने की नसीहत दी और सरकार की फूलो झानो योजना से जोड़ने की सलाह दी। सरायकेला प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुड़कुम पंचायत में पंचायत स्तरीय आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में आवेदन का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। इसके साथ मुख्य अतिथि के हाथों परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार के योजना के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के योग्य लाभुक जो कभी प्रखंड व अंचल पहुंचने में असमर्थ थे उन्हें सुविधा पहुंचाने और उन्हें भी सरकारी लाभ से लाभान्वित करने के लिए जिला तथा प्रखंड स्तर के सभी सरकारी पदाधिकारियों को सीधा उन तक पहुँचाने का कार्य किया है। सरकार ने तय किया है कि सभी निजी कंपनियों में 75% स्थानियों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सभी हड़िया बेचने वाली महिलाओं को फूलो झानो योजना से जोड़कर रोजगार बढ़ाना है।
वहीं उपायुक्त ने कहा कि सरायकेला जिला धनबाद से आगे है। सरकार की योजना में पेंशन और ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जा रहा है। 10 साल पहले मैं एसडीओ के रूप में काम करता था, तो हर दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ, कभी ना कभी दिल में दुख रहता था कि अरे बुढ़िया आई है, बुरा आदमी आया है, बहुत गरीब आदमी है, इसको पेंशन नहीं दे पाया क्योंकि बीपीएल नंबर नहीं है, उसका टारगेट लक्ष्य पूरा हो गया है, इसको दे नहीं पाते कहां से। आज मैं सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और उस कैबिनेट के सम्मानित सदस्य हमारे चंपा सोरेन सर दोनों को मैं तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो दर्द उन्होंने दूर कर दिया। आज यहाँ का इस धरती का मूलवासी आदिवासी झारखंड अलग राज्य होने के बाद पहला ये सुझाव मिलने जा रहा है। आज यहाँ स्टोन लगा हुआ है कार्ड का, ग्रीन कार्ड का, हर तरह हर विभाग का अलग अलग स्टोन लगा हुआ है और उसी जगह में जाके अपना आवेदन और आवेदन देने के साथ ही उनका आज स्वीकृति होगा। ये भीड़ काम करने के लिए सरकार आया है, आपका दरवाजा पर खड़ा है, आपका तकलीफ को जानने के लिए। इसलिए आज पूरा राज्य के अंदर में 7 लाख कुछ आवेदन आने के बाद 3,55,000 से ज्यादा निष्पादन हो गया है। जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी कीताडी, पश्चिमी कीताडी, उत्तरी कीताडी पंचायत में आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीडियो प्रवीण कुमार उपस्थित रहे। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, बीडीओ प्रवीण कुमार उपस्थित थे। आज के इस कैंप में आप जैसा कि अभी स्टॉल में आपके अधिकार, आपके सरकार और आपके इसमें जोर भी देख रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं, जैसे कि पेंशन में करीब 100-150 के करीब, 150 के करीब आए हैं, आवास में आवेदन आया है और आपूर्ति में 60-70 आवेदन आए हैं। तो ये देख रहे हैं कि लोगों का रुझान काफ़ी अधिक है और जो जो इसका समय बीतता जा रहा है, लोगों को जानकारी इसकी अधिक से अधिक मिल रही है और लोग अधिक से अधिक आ रहे हैं इसमें, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि लोगों को त्वरित समस्या का समाधान हो। आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे विधायक संजीव सरदार, जहां विधायक ने अपने हाथों से कंबल, पेंशन समेत कई चीजों को बांटा। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, बीडीओ प्रवीण कुमार उपस्थित थे। आपके अधिकार, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम तहत आज जमशेदपुर प्रखंड के जमशेदपुर परिसदन में ही 3 पंचायत का यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया था और इसमें इस पंचायत क्षेत्र में जो भी हमारे राशन कार्ड से संबंधित हो, पेंशन से संबंधित हो, मुख्यमंत्री पशुधन योजना से संबंधित, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित सारे लोगों के आज यहाँ पे आवेदन दिए हैं और इनका स्वीकृति आने वाला दिन में किया जाएगा और जो पहले आवेदन दिए थे उनको भी लाभान्वित करने का आज किया गया, उसमें ठान के देखते हुए कंबल वितरण भी किया गया। जमशेदपुर के सांची स्थित जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें आई हॉस्पिटल का विस्तार किया जा रहा है, साथ ही प्री ऑपरेटिव केयर विंग का नवीनीकरण किया जा रहा है। नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है, ये जमशेदपुर आई हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन जो हम कुछ सालों से करते आ रहे हैं और ये हमारा प्री ऑपरेटिव केयर विंग है, जो सर्जरी से पहले जो पेशेंट्स का बहुत सारे चेकअप्स होने होते हैं, पहले उनको बाहर जाना पड़ता था उन चेकअप्स के लिए, तो अब कुछ समय से हमने यहाँ पे शुरू किया है और क्योंकि अभी बहुत लोग आ रहे हैं, बीच में कोविड टाइम पे नहीं थे पर अब फिर पेशेंट्स हमारे वापस आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम एक अच्छी खुली जगह बनाएं और पहले कुछ पेशेंट्स को ऊपर चढ़ना पड़ता था इन टेस्ट के लिए,
तो अभी हम यहाँ पे एक एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं अपने विंग की, और यहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे सबको बहुत आसानी से ये प्री ऑपरेटिव चेक्स हो सकते हैं उनके, उनको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। और जो हमारे पेशेंट्स हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स को हर टाइप की सुविधा मिले, और हमारे पास अभी यहाँ पे लेटेस्ट इक्विपमेंट है, हमारे बहुत सारे डायग्नोस्टिक चेक्स हो रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं। हमारे जमशेदपुर आई हॉस्पिटल का ये डायमंड जुबली ईयर है, और हमारा एक विजन है कि अफोर्डेबल आई केयर एंड द बेस्ट आई केयर फॉर एवरीवन। सो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने सब जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं, यहाँ के समाज के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें बेस्ट सर्विसेज दें। जमशेदपुर के सबसे पुराने और किसी जमाने में शहर के प्रीमियर कॉलेज के रूप में जाना जाने वाला जमशेदपुर को ऑपरेटिव कॉलेज के कायाकल्प की तैयारी की जा रही है। गुरुवार को इसकी जानकारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमर सिंह ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि किसी जमाने में यह प्रीमियर कॉलेज के रूप में जाना जाता था, आज यहां 21 यूजी और 10 पीजी कोर्स संचालित होते हैं। इसके साथ ही लॉ और बीएड की पढ़ाई भी कराई जाती है। अब उन्होंने कॉलेज को विकसित करने के लिए प्रयास आरंभ कर दिया है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इसके लिए उन्होंने जिले के उपायुक्त से मिलकर कॉलेज परिसर का कायाकल्प करवाने का आग्रह किया है। अब कॉलेज परिसर की सड़क को चकाचक कर दिया जाएगा, साथ ही कॉलेज भवन में भी रंग रोगन का काम जल्द शुरू किया जाएगा। कॉलेज में हाईटेक लैब भी बनाई जानी है। कॉलेज में 2 थिएटर भी बनाने की योजना है। उन्होंने बताया कि कॉलेज परिसर में मौजूद मैदान को स्टेडियम बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, ताकि कॉलेज के छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाए। कॉलेज में नए बेंच के लिए उन्हें प्रशासन की तरफ से 8 लाख रुपए भी आवंटित किए गए हैं। जल्द ही कॉलेज के लिए 200 बेंच खरीदे जाएंगे। ये महाविद्यालय जो अपने किसी जमाने में प्रीमियर कॉलेज के रूप में जाना जाता था, इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल और तमाम तरह के 21 कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट, 10 कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट के इसमें चल रहे हैं। इसके साथ साथ बीबीए, बीसीए, बीएससी, आईटी, बीएड और इसके कैंपस के अंदर ही विधि महाविद्यालय भी चल रहा है। तो हम सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं या जो भी हम अपेक्षाएं कर रहे हैं सरकार से, जनता से, उन तमाम चीजों की जानकारी जनता के बीच में जाए। हम क्या एकेडमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, महाविद्यालय के भवनों को सुदृढ़ करने के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, क्रीड़ा स्थल को विकसित करने के लिए, या विभिन्न प्रकार के एकेडमिक एक्टिविटीज जो हम यहाँ कैंपस में कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता के बीच में जाए। और वो जनता को जानने का अधिकार है कि ये हमारा पुराना महाविद्यालय रहा है, आज वो किस दशा में है, क्या वहाँ एक्टिविटीज हो रही हैं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ मैंने विस्तार से बताया कि हमारा ये सब काम पाइपलाइन में है, भवन के लिए, लाइब्रेरी के लिए, लेबोरेटरी के लिए, चाहे मैदान के चारों तरफ स्टेडियम बनाने के लिए, या कैंपस की सारी तमाम सड़कों को, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए हमने पत्रकार सम्मेलन बुलाया था, ताकि इन तमाम चीजों की जानकारी जनता के बीच भी जाए। इधर धतकड़ी कम्युनिटी सेंटर में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से बच्चों के फैशन शो का ऑडिशन किया गया। अर्बन सर्विसेज की गुरुवारी हेमरम ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 6 साल से लेकर 15 साल के लड़के लड़कियों ने फैशन शो का ऑडिशन दिया। इसका फाइनल 10 दिसंबर बंगाल क्लब में आयोजन होगा। कुल 120 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ से हूँ। आज हम लोग का धतकड़ी कम्युनिटी सेंटर में जो बच्चे हैं, जो 6 साल से 15 साल के बच्चे हैं, उनका हम आज ऑडिशन ले रहे हैं फैशन शो का। इसमें हम 12 सेंटर्स में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके 120 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका फाइनल और कब कहाँ हो? ये इसका फाइनल हम लोग 10 तारीख रखे हैं, जो होगा बंगाल क्लब में। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरिया रोड में हुई चोरी का पुलिस ने किया उद्भेदन। दो अभियुक्तों समेत 89,500 नगद, 5 मोबाइल, एक घड़ी हथौड़ा किया गया बरामद। नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुए कई सड़क हादसे। और चाकू की नोक पर एक युवक से हुई मोबाइल की छिनतई, एक की हुई गिरफ्तारी, दो फरार। और झारखंड बिजली कंज्यूमर एसोसिएशन की ओर से राज्य भर में मनाया गया एक दिवसीय विरोध दिवस। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।